13 साल के लंबे इंतजार के बाद कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इंडियन टीम ने दोबारा से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को होल्ड किया है। 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब सीधा जाकर 2024 में यहां पर इंडियन टीम ने जो है फाइनली वर्ल्ड कप का जो एक आप कह सकते हैं नाइटमेयर था उसे क्रैक किया है, चाहे वो ओडीआई का वर्ल्ड कप हो या T20 का, फाइनली आखिर वर्ल्ड कप उन्होंने यहाँ पर क्रैक किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही बेसिक क्रिकेटिंग टर्म्स पर उन्होंने ये वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश की है और फाइनल मैच में भी हमें वही देखने को मिला। कोई जो हम कह सकते हैं कि कुछ क्रिकेट से हटकर कुछ हुआ हो या कोई तमाशा हुआ हो उससे उससे हटकर जो एक बेसिक क्रिकेट होता है उसको सही तरीके से खेल कर ही इंडियन टीम ने ये वर्ल्ड कप जीता है, जो कि बहुत ही जो इसकी जीत पे और कहीं ना कहीं चार चांद लगा देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है। एंड जीत की बात यहाँ पर हम जरूर कर रहे हैं इंडियन टीम की, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जो इस गेम में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक वक्त पर था वो उस तरह से गेम में किस तरह से पीछे हुआ और इंडिया ने इस गेम में किस तरह से बेसिक क्रिकेट को स्पॉट ऑन खेलकर साउथ अफ्रीका को यहाँ मात दी है उसके बारे में बात करते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो सब अलग है, लेकिन यहाँ पर गेम की बात करते हैं कि आखिर गेम में क्या क्या चीज़ें घटी हैं, क्या क्या चीज़ें इंडिया ने सही की और क्या क्या चीज़ें साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर गलत कर दी है। सबसे पहले जैसे कि टॉस इंडिया ने जीता और पहले रोहित ने बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि सही भी था क्योंकि वो लगातार इंडियन टीम जो है वो पहले बैटिंग कर रही थी, वो जब भी वो डिफेंड कर रहे थे तो अपने आप को कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग पोजीशन पर वो पा रहे थे, तो उसी के साथ वो गए और उन्होंने यहाँ पर पहले बैटिंग का ही फैसला लिया। शुरुआत बहुत ख़राब रही और 34 रन के अंदर अंदर टीम ने अपने 3 विकेट गंवा दिए। ऋषभ पंत हो, उसके बाद रोहित शर्मा इस बार बहुत जल्दी आउट हो गए जो कि बहुत तगड़ा झटका था और साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहा। उसके बाद अगर आप देखें सूर्य कुमार यादव भी कहीं ना कहीं एक खराब शॉट खेलकर वो अपना विकेट को गंवा कर चले गए, लेकिन वहाँ पर आकर जो पार्टनरशिप की अक्षर और विराट कोहली ने वो बहुत ही क्रूशल साबित हुई है। और देखिए बेसिक क्रिकेट जो क्रिकेट लगातार अपनी वीडियोस में कहता है उसमें जो पहला सेक्शन था उसे उन्होंने टिक किया, वो किया आते ही सीधे सबसे पहले उस सिचुएशन पर एक पार्टनरशिप को बिल्डअप करना, सिंगल्स निकालना और विराट और अक्षर ने लगातार कंटिन्यूसली उस फेस में आए शुरुआत में सिंगल्स निकाले। बिल्कुल बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप रही है और इनिंग बिल्डअप पार्टनरशिप थी वो, और ये समझदारी वाला क्रिकेट हमें देखने को मिला अक्षर और विराट की तरफ से। विराट की तरफ से तो ऑब्वियस है मिलना चाहिए था इतने बड़े गेम में, इतने प्रेशर सिचुएशन में, और नॉकआउट्स में वो अमूमन अच्छा करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स भी हैं, पर यहाँ पर एग्जैक्टली उन्होंने वो डिलीवर भी किया। आउटस्टैंडिंग इनिंग रही उनकी एक लाइफ लॉन्ग करियर में एक और ये एक आउटस्टैंडिंग इनिंग जो कि जुड़ गई है उनके साथ। और अक्षर पटेल ने जो यहाँ काम किया है वो बेहतरीन वर्क किया उन्होंने, 31 बॉलों में 47 रन आकर पार्टनरशिप स्टिच की और साथ ही थोड़ा तेज़ भी खेले, थोड़ा रन को भी बढ़ाकर चले हैं वो, तो वाकई में बहुत कमाल की इनिंग पार्टनरशिप दोनों की रही और जिसके बदौलत टीम इंडिया एक इतने अच्छे स्कोर की नींव रख पाया। बिल्कुल सही कहा, 31 गेंदों उन्होंने खेली उसमें तो शुरू की 15-20 गेंदें उन्होंने सिर्फ सिंगल सिंगल से निकाला है, कोई ज़्यादा रिस्क शॉट खेले नहीं है, और उसके बाद फिर उन्होंने जब खराब गेंदें उन्हें मिली तो उन्होंने उस पर अटैक भी करने की कोशिश की। हालांकि एक रनआउट के वक्त थोड़ा सा उनका जो है वो बहुत ख़राब रनआउट था, उन्हें कहीं ना कहीं वो बॉल की तरफ ही ज़्यादा देखने लगे, यही भूल गए कि मुझे क्रीज भी कहीं ना कहीं देखनी है, तो वहाँ पर अवेयरनेस में चूक ज़रूर वहाँ पर अक्षर पटेल से हुई है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम और जिसका बेस रखा गया सिंगल्स से, दोनों ने विराट और अक्षर ने जब 34 पे 3 था जब अक्षर आए वहां से लगातार वो पहले कुछ फेस उन्होंने सिंगल्स निकाले, लगातार सिंगल्स वो लेते चले गए उस फेस से निकले और फिर उसके बाद अक्षर पटेल ने वहां पर अटैक करना चालू किया, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्रिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है बेसिक क्रिकेट में कि आप इस तरह की चीजें करें। आते ही पहली गेंद से हवाई फाई कर देना वो सूझबूझ वाली बात होती नहीं, जो स्काई ने करने करने की कोशिश की और वो अपना विकेट थ्रो कर बैठे। खैर और उसके बाद थोड़ा बहुत फिनिशिंग टच जैसे शुभम दुबे ने भी दिया, उन्होंने 26 रन किए और विराट कोहली इस वक्त पर कहीं ना कहीं डेफिनेटली स्लो जा रहे थे, लेकिन एक छोर उन्होंने संभाला हुआ जरूर था कि दोनों तरफ से विकेट ना गए, ये उन्होंने मेक श्योर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एंकर वाले रोल की अगर हम बात करें, क्योंकि विकेट जो है लगातार गिर रहे थे अक्षर के उस पार्टनरशिप के अलावा विकेट लगातार गिर रहे थे हर 15-15, 20-20 रन बाद, लेकिन अगर एक छोर विराट का भी निकल चला जाता तो शायद हमें और ज्यादा तेजी से इंडिया के विकेट गिरते हुए नजर आते, तो शायद 20-25 रन करीब करीब इंडिया यहाँ पर कम रह जाता जो वो पहुंचा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और उसके बाद लास्ट में फिर विराट ने भी अपने गियर चेंज किए, रवाड़ा के एक ही ओवर में शायद 15-16 रन करीब करीब उन्होंने मारा, उसके बाद जो गियर चेंज किया वो अपनी इनिंग को 76 में ले गए और उन्होंने जब फिर से दिखा दिया कि आखिर वो क्यों बड़े गेम्स के प्लेयर हैं, क्लास प्लेयर हैं,
और जो कि उनका आखिरी टी ट्वेंटी आई मैच था उनके करियर का, वहां पर उन्होंने मैच विनिंग इनिंग टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के फाइनल खेली, कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंस यहां पर उन्होंने दिखाई और बहुत, और मेरे ख्याल से क्लिनिकल रही है, ना ही कोई एलबीडब्ल्यू ओपनिंग हुई है, ना ही कोई एज, ना ही कोई कैच उनका ड्रॉप हुआ, कुछ भी नहीं, कंप्लीट क्लीन इनिंग की यहाँ पर रही है। एंड साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की यहाँ बात करते हैं, 34 रन पर 3 विकेट के बाद आखिर बॉलिंग को हुआ क्या, पकड़ कहाँ पर बॉलर्स ने खो दी? नहीं जरूर, देखिए मार्करम से एक जरूर था कि उनको कहीं ना कहीं ये था थोड़ा सा और बेटर प्लान करना चाहिए था, कुछ प्लान ज़रूर होना चाहिए था जिस तरीके से विराट खेल रहे थे। अक्षर पटेल ज़रूर लेफ्टी सोचा उन्होंने कि तब मैं आकर थोड़ा सा यहाँ लेफ्टी बैट्समैन के खिलाफ शायद कुछ कर सकता, होता है कभी कभी आप विकेट ले जाते हैं क्योंकि आपका प्लान वर्क कर जाता है ये, लेकिन उस वक्त किया नहीं, बहुत अच्छी बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजी, यही तो बात है, वो क्यों वर्क नहीं किया क्योंकि उस वक्त अक्षर जो है वो सिर्फ सिंगल से अगर वो मार के खेलते तो 100% वो आउट हो जाते, यही तो हम बेसिक क्रिकेट की बात कर रहे थे, अक्षर पटेल सिंगल्स ले रहे थे मार्करम। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्रिकेट दिखाया है, सीखने और देखने वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से, लेकिन कोई सीखता देखता है नहीं, बाकियों की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर बैठे हुए जो लोग हैं या जो व्यूअर्स हैं जो भी हैं और दूसरी टीमें भी हैं जरूर। तो बिल्कुल जो इनिंग इन्होंने खेली और जो मार्करम ने बॉलिंग जो रही है साउथ अफ्रीका की, उसमें एंड्रिक नॉर्गिया का ही एक सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है अगर आप ओवरऑल देखें, वरना शुरुआत कई टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी बॉलिंग अच्छी होती हुई नजर आई, पर कलेक्टिव परफॉर्मेंस जो होती है जो साउथ अफ्रीका करता आ रहा था अब तक वो मिस आउट नज़र आई है हमें साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप से। एंड्रिक नॉर्गिया ने अब पूरे स्पेल में अपनी बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई है, रवाड़ा ने शुरुआत के स्पेल में कराई लेकिन लास्ट से आते आते काफ़ी महंगे साबित हुए, यानसन का नाइटमेयर था वो इतनी आसानी से इसे भूलने वाले हैं नहीं और काफ़ी लंबे वक्त तक ये उनके साथ रहेगा। वहीं स्पिनर्स ने खासा कुछ किया नहीं, केशव महाराज ने दो विकेट निकाले, प्रेशर ज़रूर बनाया लेकिन उसके बाद स्पिनर पर ऐसा भी चले शमसी कोई खासे रहे। बिल्कुल यहाँ पर यानी क्लियर है कि मार्को जैनसन पे जब अटैक किया इंडियन टीम ने तो उसके बाद कोई एक प्लान नज़र नहीं आया मार्करम की बॉलिंग रोटेशन को लेकर कि अब मैं कहाँ जाऊँ किसके पास जाऊँ, क्योंकि ऑप्शन उनके पास बहुत लिमिटेड हो गए क्योंकि मार्को जैनसन जो इनका काफ़ी बेहतरीन सेमीफाइनल गया था अभी और वर्ल्ड कप भी अच्छा खासा उनका गया है लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी नहीं चला, उनका जो अटैक हुआ वो लास्ट तक होता ही चला गया, किसी भी स्पेल में वापसी कर नहीं पाए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। खैर उसके बाद आप बात करते हैं चेस की, जब साउथ अफ्रीका इस चेस में यहाँ पर आया तो चेस की अगर बात की जाए तो शुरुआत उनकी भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और रिजा हेंड्रिक्स कहीं ना कहीं क्लीन बोल्ड जो बुमराह ने उन्हें किया वो कमाल करा, बुमराह ने शुरुआत भी अच्छी दिलाई, एंडिंग में भी आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन उसके बाद एडन मकरम आए उन्होंने भी अपना विकेट कहीं ना कहीं थ्रो किया, बहुत सारे जो विकेट्स हैं वो गिफ्ट किए गए हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से। अगर आप देखेंगे एडन मकरम बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बाहर जाकर बॉल को चेस करने के लिए गए, ट्रिस्टन स्टब्स एक बेहतरीन शुरुआत मिली, अच्छी शुरुआत उन्हें मिली ट्रिस्टन स्टब्स को और क्वेंटन को एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी जो कि बहुत ही इंडिया के हाथों से मैच कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस वक्त तक लेकर जा रही थी, दूर तक दूर लेकर जा रही थी, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स ने भी एक बहुत ही खराब और गिफ्टेड विकेट जो है वो इंडियन टीम को दिया है यहाँ पर। बिल्कुल घटिया शॉट था, घटिया जो भी आप उस लैंग्वेज में कहते हैं, जितने भी खराब क्रिकेटिंग शॉट है उनमें से ये एक है। आप स्काई को भी देखें किस तरीके से आउट हुए, प्रेशर सिचुएशन था, दो विकेट गिरा वहां पर, उन्होंने हवाई फायर किया वो भी आउट होकर चले गए, सेम एज यहाँ स्टब्स के साथ हुआ है, फिर से वही शॉट और इसी बेहुदे शॉट की वजह से ही जो उन्होंने ऐसे पीछे जाके मारा, जब तक वो खेल रहे थे अपना सीधे बल्ले से तब तक उनके हर शॉट लग रहे थे, चाहे छक्का हो स्क्वायर लेग की तरफ या ऑफ साइड की तरफ चौके हो, हर कोई मार रहे थे वो हर किसी बॉलर को, लेकिन जैसे ही वाहियात शॉट ट्राई करने गए जो क्रिकेट में पता नहीं कहां से पैदा हो गए ये शॉट, ये कल हुआ है यार, जिन जिन लोगों ने बेहुदा क्रिकेट खेलने की कोशिश की है या फिर ज्यादा जो आजकल जो ओवर स्मार्ट शॉट खेलने की कोशिश की है वो सब के सब कल ने पे ऑफ किया, चाहे वो इंडिया के सूर्य कुमार यादव हो या फिर साउथ अफ्रीका के और भी बैट्समैन क्यों ना उसके बाद भी है। बिल्कुल सही कहा है आपने, तो बहुत ही खराब शॉट खेला है, देखिए अगर हम इतनी बेहतरीन शुरुआत के बाद फाइनल और ऊपर से आप इंडिया जैसी ओपोनेंट है आपको ऐसा शुरुआत मिल गया है, बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस होना चाहिए उन्हें खुद पर कि क्या उन्होंने वेस्ट कर। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट यहाँ पर निकला, वो बॉल भी फुल टॉस थी, बिल्कुल वो नीचे की तरफ डाल दी लेकिन वो बॉल फुल टॉस हो रही थी, उसको वो कहीं भी खेल सकते थे लेकिन उन्होंने चूज किया कि वो ओवर स्मार्ट हीरो बनकर पीछे खेलने की कोशिश करेंगे, पीछे खेलने वाले पीछे ही रह गए और यही हमें कल देखने को मिला, चाहे वो सूर्य कुमार यादव का शॉट हो या फिर क्रिस्टल स्टर्म का शॉट ही, एबी डिविलियर्स ने कितने
भी ऐसे शॉट मार लिए, लेकिन कभी कुछ कभी काम उनके कभी भी नहीं आया। वो बड़े 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 सेंचुरीज फास्टेस्ट ये वो सब लग गए, लेकिन कोई फायदा, ये शॉट कभी काम नहीं आया, कभी काम नहीं आएगा ये शॉट। कुछ भी आप कर लीजिए, कितना भी आप कर लीजिए, खराब शॉट ही रहेगा। आपको बेसिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तभी आप जाकर कुछ काम कर सकते हैं। और कल इंडिया ने वो बहुत बेहतर किया साउथ अफ्रीका के मुकाबले। खैर उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आए यहाँ पर क्लासन। और क्लासन जब आए, जब उन्होंने एक छोर संभालने की कोशिश की शुरुआत में, वो भी आराम से कहीं ना कहीं निकाल रहे थे। फिर क्वांटन डिकॉक एक अच्छे टच में नजर आ रहे थे, फिर उन्होंने अपना विकेट थ्रो कर दिया। ये एक और गिफ्टेड विकेट नंबर टू था इंडिया के लिए, और साउथ अफ्रीका ने फिर से विकेट अपना थ्रो कर दिया। उससे एक बॉल पहले ही उन्होंने बाउंड्री निकाली, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो क्लीन बोल्ड होकर, माफ कीजिएगा, पीछे वो भी खेलने के लिए, और वो भी अपना कैच यहाँ थमा बैठे। बिल्कुल सही कहा आपने, फाइनल लेग पर कैच, अभी एक शॉट मारा था फिर वो आउट हुए हैं। सेट होने वाले बल्लेबाज इस तरीके का क्रिकेट खेल कर गए हैं, बड़ा ताज्जुब होता है कि डिकॉक इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और इस तरीके का दोबारा से वही गलती प्लेयर देख भी लिया, फिर भी उनको फंसा, वहीं पर फंसाया है। बिल्कुल, और उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है। अगर आप देखें तो जब वो आउट हुए फिर आए हैं यहाँ पर मिलर। मिलर की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो क्लासन ने इसी बीच में एक ज़बरदस्त बैटिंग की, पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के फेवर में मैच को लाकर खड़ा कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है क्लासन की, और क्लासन ने जिस तरह से यहाँ पर गेम को पूरी तरह से साउथ अफ्रीका के फेवर में जो मोड़ना शुरू किया वो कमाल था। क्योंकि इस तरीके का जब आप अटैक करते हैं, तो उन्होंने सीधी सीधी बात है, उन्होंने काउंटर अटैक किया। बिल्कुल, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को उन्होंने जिस तरह से अटैक किया, उसका कोई भी जवाब उस वक्त ना, उस वक्त रोहित शर्मा के पास भी उसका कोई जवाब यहाँ पर नहीं था, और अक्षर और कुलदीप तो पूरी तरह से बेबस यहाँ पर नजर आए रहते। और सिर्फ 23 गेंदों में उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाकर ऑलमोस्ट पूरा मैच वो अपनी तरफ कर लिया था, और ऐसा लग रहा था कि शायद इस अब जो हाल है वो शायद आप कह सकते हैं कि 70-30 जो है वो साउथ अफ्रीका के फेवर में कहीं ना कहीं जा चुका था, जब तक क्लासन वहां पर मौजूद थे। लेकिन उसके बाद यार क्लियरली साउथ अफ्रीका ने पूरी तरह से गेम अपने हाथ से निकाल दिया। बिल्कुल सही कहा आपने, और जबकि गलती भी कर डाली थी रोहित शर्मा ने, बुमराह को 16 ओवर नहीं दिया था उन्होंने, और उसकी जगह उन्होंने अक्षर पटेल को दे दिया, वो एक भारी गलती हुई थी। फिर रन आए 25 करीब रन आए हैं जिसमें अक्षर पटेल को ओवर दिया गया, इतनी बड़ी गलती की उसके बावजूद जो बुमराह ने वापसी कराई, और फिर जो गलतियां की है हार्दिक ने इस तरीके से वापसी कराई है। आप देखिए क्लासन ने जिस तरीके का शॉट खेला, बिल्कुल बाहर जाकर बाहर वाली बॉल उस पर एज आया उनका, जैसे ही वो वहां से गए फिर साउथ अफ्रीका ने जीतने की तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ाया क्लासन के आउट डगआउट में बैठने के बाद। बिल्कुल सही कहा आपने, और यहाँ पर हुई है मिलर से भी बहुत बड़ी गलती। मिलर कहीं ना कहीं डेफिनेटली है कि मिलर जो है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलर के ऊपर जाती है, क्योंकि एक तो आप बहुत पुराने प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और उसके साथ साथ जिस तरीके का मिलर ने वहाँ अप्रोच दिखाया वो बहुत ही ज़्यादा, साउथ अफ्रीका के उसमें आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग। मिलर जो है इस तरह की सिचुएशन में, जब आपके पास विकेट्स अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि आपके 9 विकेट हो गए या 8 विकेट हो गए, जब आपके पास अभी भी विकेट्स हैं वो इस सिचुएशन में, जबकि पता है उन्हें कि आप बुमराह यहाँ पर आने वाले हैं, वो केशव महाराज को स्ट्राइक पर रखने की कोशिश कर दे रहे हैं, भर भर के उन्हें खुद से आते, उन्होंने सामने वाले बैट्समैन को स्ट्राइक दिया है, जैसे कि सामने अभी भी क्लासन या फिर मिलर, क्लासन या फिर डिकॉक वगैरह बैटिंग कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी गलती हुई जब उन्होंने खुद के बाद, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं तो कोई प्रेशर बनता ही नहीं कि नहीं यार एक डॉट चली गई तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करेगा, बिल्कुल भी नहीं। 24 गेंदों में 26 रन चाहिए थे, अगर 2-3 डॉट भी आ जाते लेकिन उसके बाद मिलर के पास स्ट्राइक होती तो वो शायद बाउंड्री या सिक्स के लिए भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। और केशव महाराज को लगातार वो बॉल करे, बुमराह के लिए, बुमराह ने जो तीसरा ओवर में डाला था उसमें 6 में से 3 गेंदों तो केशव महाराज खेल गए, और उसमें सिर्फ आया महज 1 रन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिलर ने यहाँ बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं, और उसके बाद जब खुद उन पर भी आया तो भी बिल्कुल भी आया वो इतने मामूली से 24 गेंदों में 26 रन को भी मिलर कर नहीं पाए, पूरा ब्लेम उन पर डेफिनेटली जाएगा। बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सीनियर प्लेयर है और जिम्मेदारी बनती भी है उन पर कि इस मैच को वो जिता नहीं पाए। क्लासन ने कहाँ से कहाँ ला के इस मैच को खड़ा कर दिया था उन्होंने, और बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए मिलर को, वन एंड ऑनली वही इस हार के जिम्मेदार है साउथ अफ्रीका के लिए। अगर हम देखें इतना बेहतरीन तरीके से, आप कुछ नहीं मांग सकते इससे बेहतर कि इंडिया के खिलाफ आप 24 बॉलों में रन बॉल चाहिए, आपको 26 रन चाहिए, मतलब 1-2 रन ज़्यादा, कुछ नहीं बचा था उस मैच में, जहाँ 5 विकेट हाथ में सिर्फ सिंगल लेते काम बन जाता, लेकिन अनाड़ियों वाला क्रिकेट हमें देखने में मिला, अफसोस से कहना पड़ रहा है, बड़ा घटिया क्रिकेट देखने को मिला मिलर की तरफ से। इतने बड़े 10-12-13 साल का एक्सपीरियंस उनका धरा का धरा रह गया,
जैसा उन्होंने क्रिकेट दिखाया। तो बिल्कुल हार के जिम्मेदार यहाँ एक ही है, अगर हम बात करें वो है डेविड मिलर। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कितने पुराने प्लेयर हैं, कितने ऐसे इवेंट्स खेल चुके हैं, कितने ऐसे मैचेस खेल चुके हैं, उनको ताली में परोस कर इतना बेहतरीन सेट काम कर गए थे क्लासन कि आपको सिर्फ रन बॉल मैच निकालना है, आपके पास आपके जोड़ीदार के रूप में चार और प्लेयर्स के बाद आने वाले हैं, वो भी वो नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली मिलर पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं साउथ अफ्रीका के इस हार को लेकर। वहीं पर एंड बॉलिंग की तरफ चले अब इंडिया की, तो शुरुआत की अगर बात करें, शुरुआत जबरदस्त मिली और पहले ही बुमराह ने आकर यहाँ पर डेट करना चालू कर दिया और रिजेंड्रिक्स को आउट किया। उसके बाद मार्करम भी अपना खराब कर देगा, अपना गिफ्ट कर चले गए। उसके बाद पार्टनरशिप पर बिल्डअप हुई, जो पार्टनरशिप यहाँ पर बात करें अगर, उसके बाद जो बॉलर्स ने वापसी की है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही वक्त वक्त पर टीम इंडिया ने जो विकेट निकाले हैं वो काबिले तारीफ है। चाहे आप कुछ भी कहें, आप देखें अब हार्दिक पांड्या जिस वक्त आए हैं, विकेट्स की ज़रूरत थी वहाँ, ये नहीं कि डॉट बॉल जा रही है क्या जा रही है, उन्होंने विकेट निकाल कर दिए हैं एग्जैक्टली मूवमेंट पर। बुमराह तो आप छोड़ ही दीजिए, अलग ही रहने दीजिए उन्हें, उन्होंने जिस तरीके से डर पैदा किया है, डर ये वर्ड्स बिल्कुल सही है, इस वक्त पूरे टूर्नामेंट में हमें डर दिखा है बुमराह को, जब वो कोई भी बल्लेबाज सामने फेस, वो डर नज़र आया है उनकी आंखों में कि अरे अरे अब बुमराह आ गए हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके का डर काबिले तारीफ है जैसा परफॉर्म उन्होंने किया। अर्शदीप ने जो विकेट्स निकाले हैं वो भी बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे टाइमिंग पर है और सही वक्त पर विकेट आए, तो विकेट्स की हमें जो टाइमिंग है उसको क्रेडिट ज़रूर देना होगा। थोड़ा सा इधर से उधर हो जाता मामला तो ख़त्म हो चुका होता, जैसे कि स्टब्स का विकेट बिल्कुल सही वक्त पर आया, का विकेट एकदम करेक्ट वक्त पर आया, ये दो जो विकेट आए हैं ये बिल्कुल सही वक्त पर आया। डीकॉक ने तो अपना जो पता नहीं लेग साइड में विकेट देना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है, अगर आप लेग स्टंप, ये क्रिकेट में कहावत भी है, अगर आप लेग स्टंप पे अपना विकेट दे रहे हैं तो बिल्कुल सही। स्टब्स और क्रासन का जो विकेट गिरा है जिस टाइमिंग पर गिरा है, और मिलर को भी देख लें आप, मिलर का भी जो पहली बॉल में ही जो उनका विकेट गिरा लास्ट ओवर के, वो भी मैच को ले गया इंडिया की। बिल्कुल बहुत क्रूशल टाइम पर विकेट्स निकाले हैं इंडिया ने, जहां जहां जरूरत है एग्जैक्ट वहीं पर विकेट निकाले हैं। और इससे हुआ क्या, सही से शुरू से जो विकेट्स मिलते चले गए, इससे हुआ ये कि बाद के टाइम के लिए जो डेथ फेस है उसके टाइम के लिए बैट्समैन जो है वो बचे नहीं, बचे ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि बैट्समैन जो है वो बचे ही नहीं, और इसका प्रेशर सीधे तौर पर साउथ अफ्रीका के ऊपर गया, जो उनके बैट्समैन थे वो सब निकल गए, खास करके मार्करम, डीकॉक, स्टब्स, ये सब चले। जब ये गेम जब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा था उससे पहले ही ये सब जा चुके थे, और जब और एंटी क्लाइमैक्स की तरफ गया तो उससे पहले क्लासन छोड़कर चले गए, तो मिलर एक अकेले बैट्समैन वहां पर बचे हुए थे। मार्को जेंसन किसी काम की वहां पर नजर नहीं, और इतना आसान होता भी नहीं इंडिया के सामने उस तरीके की प्रेशर आए सिचुएशन पर, और वो कहीं हमें देखने को भी मिला। और महाराष्ट्र ने भी एक के बाद एक लगातार डॉट बॉल्स वहां पर खेली, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पर जो विकेट निकाले हैं, जो कैच पकड़ा है सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर, कमाल का कैच था। देखिए यार, यही बेसिक विकेट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कि बेसिक क्रिकेट की जो हम बात करते हैं कि वो चीजें सटीक करनी बहुत जरूरी है। टॉप फील्डिंग आप देख लीजिए, अक्षर पटेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिचेल मार्श पकड़ी, सूर्य कुमार यादव ने जो कल यहाँ पर कैच पकड़ी, और ऑलराउंडर्स जो है वो आईसीसी इवेंट्स के सबसे बड़े दाता हैं, आप ये कह सकते हैं, ये कहावत होती है और ये हमें फिर से देखने को मिला। कल के मैच में अक्षर पटेल ने बैटिंग से परफॉर्मेंस दी, हार्दिक पांड्या ने जो बैटिंग से परफॉर्मेंस दी, अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ जो बॉलिंग से परफॉर्मेंस दी, उसके बाद आप देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो अक्षर पटेल ने परफॉर्मेंस दी बॉल से भी, और जो फील्डिंग उन्होंने की है, ऑलराउंडर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आईसीसी इवेंट्स पर। अगर आपके पास ऑलराउंडर स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं उसमें आपको दिक्कत आने ही आने वाली आज इवेंट्स पर, और अगर ऑलराउंडर स्ट्रॉन्ग्स हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे सिचुएशन में खुद को देख सकते हैं कि आप एक आईसीसी इवेंट को क्रैक करें। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, वेल डन गाइस, बहुत ही बेहतरीन रहा। इसलिए हमने सोचा कि इसमें ज़्यादा दुनिया भर की बातें ना करके, वो तो हम बाकी कर ही चुके हैं कम्युनिटीज़ वगैरह में, सिर्फ मैच फोकस करते हैं कि मैच पे आखिर कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ साउथ अफ्रीका से हुई, और कहाँ कहाँ पर क्या क्या सही इंडियन टीम से यहाँ पर देखने को मिला। तो कंग्रेचुलेशंस, फाइनली आखिरकार इंडिया ने यहाँ पर वर्ल्ड कप को क्रैक किया है, और साउथ अफ्रीका एक और बार डिसअपॉइंट यहाँ पर हुआ है, और इस बार वो एक पायदान जरूर आगे पहुँचे, सेवन से फाइनल पहुँचे, लेकिन अभी भी वही हाल है कि नॉकआउट्स में अभी भी वो क्रैक करने का, और अभी भी अफ्रीका रीजन को अपने पहले आईसीसी वर्ल्ड कप का इंतजार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, 15 डेल से चैनल के साथ, उम्मीद है कि आपको डिटेल एनालिसिस पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अब बारी आ गई है वापस से पूरे वर्ल्ड से शिफ्ट होकर एसोसिएट क्रिकेट की तरफ जाने का, कि आखिर वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही है। बहुत सारे मैचेज आने वाले हैं, तैयारी जोरों शोरों पर है नेक्स्ट लीग टू राउंड की, देखना पड़ेगा क्या कुछ हो।